What's up guys, today is second day 15 दिन की छुट्टी के बाद and we'll go hit some back मारने वाले हैं। दोपहर के अभी बजे 1:10 and खतरनाक back मारेंगे जाके अभी, because अभी भीड़ भी कम रहेगी। we can do good amount of shoot also। उससे पहले we're going to drink some hot chocolate milk। दूध उधर मेरा गर्म हो रहा है, उसमें 3 cubes of अमूल के डार्क चॉकलेट है वो डाल देंगे एंड विल ड्रिंक इट। अपार्ट फ्रॉम दैट बैक में आज खतरनाक वेट थोड़ा इंक्रीज करने वाले हैं, बिकॉज एक सेट ऑफ बैक हो चुका है हमारा, नहीं हुआ है पर तभी भी मार सकते हैं, बिकॉज मेरे स्क्वाट्स काफ़ी अच्छे गए तो मुझे फील हो रहा है कि हम अच्छा मार सकते हैं। सो वी विल बी हिटिंग हेवी वेट्स, हेवी रोज। डेडलिफ्ट का मेरे को थोड़ा मन कम है, उसके बदले हम लोअर बैक के लिए कुछ और सोचते हैं, बट डेडलिफ्ट का मन ज़्यादा नहीं है मेरे को। उसके अलावा रोज, बेंड ओवर रोज, सिंगल आर्म रोज, साइड अप के रोज, केबल रोज, खतरनाक 8 से 9 सेट कुछ मारते हैं तगड़े वाले, 4-5 से 6 एक्सरसाइज मारते हैं, हम बैक को पूरा पंप करते हैं एंड दिस इज़ वाई वी गो टू जिम फॉर द पंप। हमेशा याद रखो, जिम जाना है तो पंप चेस करना है और कोई रीज़न नहीं है। सो लेट्स गो टू जिम। एंड वी लॉट ऑफ एक्सरसाइजेस में काउंट भी नहीं करता था कितने सारे किए हैं एंड आई कैन फील द पंप, बहुत तगड़ा फील हो रहा है। ओह शिट, ज़्यादा पंप हो गया था, कंट्रोल था चीन। सो लेट्स चेक, सी फ्लैट्स पूरे बाहर आ गए, दैट इज़ व्हाट वी गॉट द पंप। पंप हमें मिल चुका है, पंप अचीव, टाइट हो गया पंप अचीव है, पूरा वो का सक्सेसफुल। सो स्टार्टिंग हमने किए बहुत सारे लैट्स, नॉट लैट्स एग्जैक्टली, बेंड ओवर रोज मारे, उसके हमने 6-7 सेट लगाए, बहुत अच्छा फील हो रहा था। तो वी कीप ऑन हिटिंग द बेंड ओवर रोज, देन बेंड ओवर रोज का एक अलग वेरिएशन हमारा, थोड़ा सा बॉडी को स्ट्रेट रख के टू हिट द अपर ट्रैप्स, अपर बैक के लिए, रियर डेड्स के लिए,
देन वी वेंट बैक, तो हमने फिर यू नो चेस्ट सपोर्टेड डम्बल रोज मारे टू मोर ऑफ ए लैट्स एंड मिडल बैक एंड एरिया के लिए। उसके हमने 3 से 4 सेट मारे, देन वी शिफ्टेड टू सिंगल आर्म रोज। आइसोलेशन करना बहुत ज़रूरी है, देन वी डिड विद द हेल्प ऑफ सिंगल आर्म रोज। उसके भी हमने 3 से 4 सेट मारे सिंगल बोथ हैंड्स ऑब्वियसली। वो ख़त्म करके वो वेंट टू यू नो डबल हैंड, मतलब दोनों हाथ से यू नो लैट्स सॉरी यू नो पुल डाउन्स मारे हमने यू नो विद बार, थोड़ा ग्रिप दूर रख के। एंड देन वी शिफ्ट टू, उसके भी अराउंड 3 सेट मारे, ज़्यादा फील नहीं हुआ तो 3 सेट मारे। एंड लास्टली वी डिड सीटेड केबल रोज, हमने सिंगल हैंड केबल रोज मारे जिससे वी कैन मैक्सिमम स्ट्रेच एंड मैक्सिमम अपने लैट्स को और अपर और मिडल बैक को यू नो पूरा निचोड़ सके। एंड फिनिश अप विद दैट एंड हियर वी आर, दैट इज़ व्हाट द वर्कआउट इज ऑल अबाउट। लेट्स गो टू होम एंड ड्रिंक सम प्रोटीन शेक्स। सो आफ्टर अ लॉन्ग यू नो सोल टायरिंग वर्कआउट वी केम टू होम, घर पे आए, प्रोटीन शेक बनाया, ऑब्वियसली प्रोटीन शेक पिया। अपार्ट फ्रॉम दैट वर्कआउट करके बड़ा मज़ा आया, वी हिट द बैक वेरी स्ट्रॉन्ग। हम कभी बैक को धीरे हिट नहीं करते, गो एज हेवी एज पॉसिबल, एज मैनी वॉल्यूम एज पॉसिबल, बिकॉज आई थिंक जिम में जाने का एक ही सोल पर्पज़ होना चाहिए, वो तो अचीव पम्प। अगर पम्प नहीं आया तो आप जिम जाके क्या कर रहे हो, देयर इज़ नो यूज़ ऑफ इट, राइट? सो वॉल्यूम हेल्प्स टू गेट द पम्प, ठीक है, और हेवी हेल्प्स टू गेट द पम्प। मैक्स के लिए बहुत ज़रूरी है, हेवी वॉल्यूम हेवी वेट्स हेल्प्स टू बिल्ड अ लॉट ऑफ मसल। ये मेरा थ्योरी था एंड जो तब से मैंने पिछले 3 साल से मैं ही कर रहा हूँ, एंड आई हैव ग्रोन सिग्निफिकेंटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरी ओनली। एंड आई बिलीव ऑन द फैक्ट दैट ये मेरे लिए काम कर रहा है तो मैं ही करता रहूँगा। साइंस वाइंस सब कुछ अपनी जगह पर सही है, आई एम नॉट डिनाइंग एनीथिंग, बट दिस इज हेल्पिंग मी आउट, सो मैं वही फॉलो कर रहा हूँ। एंड उसके अलावा यार कल से ऑफिस शुरू है एंड वी गोइंग टू वर्क ऑन इन द मॉर्निंग। बाकी सब ठीक, बस चल रहा है, कल से ऑफिस शुरू, जिम चल रहा है, तो मीट यू फ्रॉम टुमारो इन द मॉर्निंग एंड फॉर ऑफिस एंड फूड एंड एवरीथिंग। होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू डू पुट अ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड सी यू इन द नेक्स्ट।